ठीक है, अब QR स्कैन हो गया, मैं करता हूँ 5 रुपए का पेमेंट। अभी 5 रुपए का मैंने सिक्का डाला था, 10 लीटर आया था। जैसे ही पेमेंट हुआ सीधा नोटिफिकेशन आया साउंड बॉक्स पे, वहां से नोटिफिकेशन मिलेगा अपने स्क्रीन पे जहां पे लिख के आएगा अमाउंट कितना आया है, अमाउंट किसने किया है, बराबर। और जो सेट किया हुआ वाटर है 10 लीटर, वो डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और सीधा पेमेंट वेंडर के अकाउंट में आ जाता है, जिसका मशीन है उसके अकाउंट पे, ना कि कंपनी के। 5 रुपए का सिक्का जैसे आप इसमें इंसर्ट करोगे, इसमें सेट किया है 5 रुपए के लिए 10 लीटर, तो यहाँ देखिए 10 लीटर पानी डिस्पेंस होना स्टार्ट हो गया, बराबर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू वेब टेक वाटर एक्सपो। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो इंडिया का पहला एक ऐसा वाटर एटीएम बनाया हुआ है जो UPI बेस्ड पर काम करने वाला है, और ये दावा करते हैं कि ये इंडिया में नंबर वन है, पेनियर है। तो आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप इस तरह की बिजनेस में आना चाहते हैं या इस तरह की वाटर एटीएम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सहलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर? मेरा नाम है सर शिवराज पाटिल और मैं बेसिकली पुणे से हूँ, और हमारे कंपनी का नाम है वाटर पे ई वेंडिंग सॉल्यूशन, वाटर पे इंडिया ई वेंडिंग सॉल्यूशन। हम वेंडिंग में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पुराना वाला वेंडिंग नहीं, अपग्रेड हुआ डिजिटल वेंडिंग, जैसे UPI बेस पे हमने बनाया है। वैसे तो आपको मार्केट में क्वाइन वाले बहुत सारे ATM की कंपनी मिलेगी, लेकिन हम इंडिया में पायोनियर है और ये सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया है। पिछले 18 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं सर, और ऑल इंडिया अब तक हमने 700+ यूनिट इसके बेचे हैं। आप दावा करते हैं कि हम नंबर वन है, अभी तक UPI बेस्ट कोई बना नहीं पाया है, ऐसा क्यों? अभी तक किसी को नहीं बनाया है, बना रहे हैं, उसका R&D चल रहा है, लेकिन सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया है और 700+ यूनिट हमने सक्सेसफुली बेचे हैं और वो सारे कस्टमर सेटिस्फाइड है। और दूसरी बात, दूसरे कंपनी में और हमारे कंपनी में बेसिक सिंपल सा फ़र्क है कि हम जब आपका UPI ट्रांजेक्शन होता है वो सीधा कस्टमर के अकाउंट पे जाता है, मतलब जो मशीनें बिठाएगा उनके अकाउंट में सीधा पेमेंट जाएगा, ना कि कंपनी के अकाउंट पे, बराबर। और उसमें से हम ना कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस लेते हैं और ना कोई सर्वर चार्जेस लेते हैं, और इसके अलावा उनको डेली रिपोर्ट मिलता है, वीकली रिपोर्ट मिलता है कि कितना सेल हुआ है, कितना पेमेंट ऑनलाइन आया है, कितना कॉइन से कलेक्शन हुआ है और उसके अगेंस्ट कितना सेल हुआ है, ये सारे रिपोर्ट हम उनको देते हैं। अभी भी मार्केट में है काफ़ी से ऐसे सिस्टम है जो क्वाइन पर चलता है और QR में आपने ये UPI सिस्टम पर लाया, क्या किस लिए ये? देखिए सर, अगर कोई वाटर ATM का बिजनेस कर रहा है या फिर कोई वाटर ATM का बिजनेस करना चाहता है तो इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पहले समझनी चाहिए। इसमें बेसिक 4 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो क्वाइन एक्सेप्टर होता है, एक क्वाइन एक्सेप्टर होता है जिसमें क्वाइन एक्सेप्ट होता है, ये क्वाइन एक्सेप्टर बार बार खराब होता है, बराबर। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि खाली पानी लेने के लिए आपके जो कस्टमर है, मतलब अगर आप वाटर ATM का बिजनेस करते हो या वाटर बेचने का बिजनेस करते हो ATM के थ्रू, तो खाली आपका पानी लेने के लिए कस्टमर को क्वाइन संभाल कर रखना पड़ता है, बराबर। अब समझो दिन का उसका, उस वेंडर का। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि दिन का उसका कलेक्शन हो रहा है समझो 2000 रुपये, तो महीने का कलेक्शन कितना हुआ? 60,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये के क्वाइन के सिक्के उसके पास पड़े हैं। वो लिक्विडेट कहाँ करेगा? अभी तो पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, भारत छोड़ो, भारत तो हो गया डिजिटल, लेकिन दुनिया डिजिटल हो रही है। ऑल वर्ल्ड में 15 देशों ने, मतलब 15 कंट्रीज ने UPI को एक्सेप्ट किया है, बराबर। तो अभी भारत तो पूरा डिजिटल हो गया, एक क्वाइन लेके कहाँ घूमेंगे? उसको लिक्विडेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऊपर से इतनी झंझट के बाद पैसा कमाओ और उसको लिक्विडेट करने के लिए फिर बाद में प्रॉब्लम, तो वो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी बात, जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किसी भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको उसको डिजिटल बनाना पड़ता है या फिर उसको ऑटोमेट करना पड़ता है। खाली कॉइन से उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। अब होता क्या है इस बिजनेस में, समझो आपने 4-5 जगह वाटर ATM लगाए तो एक टैंक का पानी खत्म हो गया, दूसरे टैंक का पानी खत्म हो गया, इसका मैसेज या अलर्ट कुछ नहीं मिलता, और ऊपर से उधर से कस्टमर कंटिन्यूस कॉल करते और आपको परेशान करते, बराबर। तो उस परेशानी से आप सोचते यार ये झंझट ही नहीं चाहिए मुझे, ये बिजनेस ही नहीं करना, बराबर। तो ये सारे प्रॉब्लम है, और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन
लेकर आया है वाटर पे कंपनी का यूपीआई बेस्ड वाटर एटीएम। सो बेसिकली ये जो है हाइब्रिड सिस्टम है, क्वाइन प्लस यूपीआई दोनों पे काम करने वाला है। आप जिस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ कि वाटर पे कंपनी के ये जो मशीन है अपना, ये परचेस करने के मेन चार रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि मशीन के साथ आपको एक क्यूआर कोड आता है यूपीआई का। जैसे क्यूआर कोड पे आप कोई भी स्कैन करेगा किसी भी यूपीआई ऐप से, तो सीधा नोटिफिकेशन आएगा मशीन के ऊपर, बराबर, और वहाँ से जितना सेट किया हुआ है उतना पानी मिलेगा। दूसरी बात, जब कोई कस्टमर यूपीआई से पेमेंट ट्रांजेक्शन करता है, मतलब वेंडर के क्यूआर पे पेमेंट करता है, वो सीधा पेमेंट जाता है कस्टमर के अकाउंट पे। बाकी ये कंपनी का कैसा होता है कि उनके अकाउंट में जाता है और वहाँ से वो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस जीरो है, बराबर, और सर्वर चार्जेस भी जीरो है। तीसरी चीज़ हमने क्या की है कि जैसे आपकी टैंक खाली होगी तो तुरंत अलर्ट जाएगा वेंडर के मोबाइल पे कि यार टैंक खाली होने वाली है, तो तुरंत जाके वेंडर उसको रिफिल कर सकता है। तो उससे पूरा उसका सिस्टम ऑटोमेट होता है, पूरा सिस्टम डिजिटल होता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमारे कस्टमर का सर्विस सपोर्ट, हम इतना बढ़िया सपोर्ट देते हैं। जैसे ही आपका कॉल आया, हम वीडियो कॉल पे सपोर्ट देने को प्रेफर करते हैं ताकि हमें भी पता चले कि एग्जैक्ट कहाँ प्रॉब्लम है, बराबर। इसके अलावा हमारे सैटरडे और संडे वीकेंड में सेशंस रहते हैं, ट्रेनिंग के सेशंस रहते हैं, उसका लिंक हम वेंडर को देते हैं या फिर डीलर को देते हैं, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ ज्वाइन करके जो आपने डाउट्स है, कुछ फीडबैक है, वो गलत भी हो, गालियाँ देनी है तो वहाँ आके गालियाँ दो हमें। अगर हमारी गलती है तो वहाँ आके आप गालियाँ दे सकते हो, अगर कुछ हम अच्छा कर रहे हो वहाँ आके हम अप्रिसिएट भी कर सकते हो। तो ऐसा पूरा सर्विस सिस्टम हमने बिल्ड किया है और हम अब ऑल इंडिया इसको एक्सपांड करने जा रहे हैं। ऐसा हमारा पूरा ही वाटर पे का सिस्टम है। सो अगर मशीन्स के बारे में देखें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में देखें और वर्किंग किस तरह का होता है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मशीन की क्वालिटी की बात करें तो सर, हमने इसमें कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं बहुत हेवी क्वालिटी के यूज़ किए हैं, बराबर। जो पुराने, मैंने पहले भी बोला, ओल्ड डेटेड मॉडल पे हम इसको बनाया नहीं, पूरा अपग्रेडेड वर्जन है। जो मोबाइल में यूज़ होने वाले कंपोनेंट है ना, मोबाइल में वो कंपोनेंट इसमें है, बराबर। तो पूरा अच्छा, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपके क्वाइन पे कैसे चलता है और क्यूआर पे कैसे चलता है। ये देखिए, पाँच रुपये का सिक्का जैसे आप इसमें इंसर्ट करोगे, इसमें सेट किया है 5 रुपये के लिए 10 लीटर, तो यह देखिए 10 लीटर पानी डिस्पेंस होना स्टार्ट हो गया, बराबर। अब इसको आप ऑफ कर सकते हो। ये बटन क्यों दिया है, समझो आपका जो जार है छोटा है, 8 लीटर का है और उसमें 10 लीटर का यहाँ सेट किया है, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ से पानी वेस्ट जाएगा, तो यहाँ से बटन प्रेस करके आप उसको बंद कर सकते हो। दूसरी बात, आप उसको यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, ऐसा क्यूआर आएगा। QR स्कैन हो गया, मैं करता हूँ 5 रुपये का पेमेंट। अभी 5 रुपये का मैंने सिक्का डाला था, 10 लीटर आया था, जैसे ही पेमेंट हुआ सीधा नोटिफिकेशन आया साउंड बॉक्स पे, वहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा अपने स्क्रीन पे जहाँ पे लिख के आएगा अमाउंट कितना आया है, अमाउंट किसने किया है, बराबर। और जो सेट किया हुआ वाटर है 10 लीटर, वो डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और सीधा पेमेंट वेंडर के अकाउंट में आ जाता है, जिसका मशीन है उसके अकाउंट पे, ना कि कंपनी के। खासियत इसकी ये है। सो ये जो आप वहाँ पर हार्डवेयर दिखा रहे हो, ये यहाँ पर इंस्टॉल होगा? हाँ। जो कैपेसिटी है वाटर टैंक कहाँ लगेगा, कहाँ पर वाटर स्टोरेज? इसमें देखिए सर, कस्टमाइज कर सकते हैं। वो वहाँ मशीन दिखाई, वो खाली डिस्पेंसर है। अगर आपको इसको हम मिनी बूथ बोलते हैं, मिनी बूथ, इसमें वाटर ATM बूथ भी आएगा। वाटर ATM मतलब इसमें आप RO भी इंसर्ट कर सकते हो, अल्कलाइन मशीन भी इंसर्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में हम इसमें अल्कलाइन मशीन इंसर्ट करके पूरा अपग्रेडेड डिजिटल वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपका ये पूरा सारा सिस्टम है, कहीं भी अगर कोई इंस्टॉल करना चाहता है तो ये सारा सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल होगा? हाँ, हो जाएगा। अगर आपको वाटर में बिजनेस करना है और वो भी ऑटोमेटेड और डिजिटल टेंशन फ्री बिजनेस करना है तो वाटर पे आपको हेल्प करेगा। सो आपने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी नीड क्या है और बिजनेस आप किस तरह से करते हैं? देखिए सिंपल सी बात है सर, मैं हूँ मैन्युफैक्चरर,
मैं वन टू वन तो बेचना नहीं चाहता नहीं। बराबर, मुझे बल्क में बेचना है। जिसको इंटरेस्टेड है बल्क में परचेस करने के, वो मुझे आके कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आरओ में काम करे या ना करे। डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनका पूरा ट्रेनिंग देंगे, पूरा टेक्निकल सपोर्ट देंगे, सब कुछ देंगे। जिसको बिजनेस करना है वाटर पे के साथ, वो आके हमारे यहाँ मिल सकते, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते। जो भी इस तरह के बिजनेस करना चाहते, इस सिस्टम में आना चाहते हैं, वो आपसे बात करें, उनके बाद आप उनकी काउंसलिंग करोगे और फिर वहाँ से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यही यही सर। जैसे ये सर्विसेज का, वारंटीज का क्या इशू रहता है? इसके लिए हम एक साल का वारंटी देते हैं। अब वारंटी के लिए भी बताता हूँ सर, बाकी कंपनियाँ क्या करती है कि सर स्पेयर भेजिए, उसको बदल के हम देंगे या रिपेयर करके देंगे। हमारा वैसा सिस्टम नहीं है सर। अभी मैं बताता हूँ इसमें डिजिटल क्या हमने चेंज किया है। अगर आपका मशीन बंद है तो हम वीडियो कॉल पे सपोर्ट देंगे। अगर लगता है कि यार कुछ स्पेयर बदलने की ज़रूरत है, तो उसी दिन हमारे कंपनी से स्पेयर निकलेगा, उनको दूसरे तीसरे दिन स्पेयर पहुँचेगा। बराबर, स्पेयर वो रिप्लेस करेगा और वो पुराना स्पेयर हमें भेजेगा। अब भी होता क्या है कि यूज़र ने अगर हमें पुराना स्पेयर नहीं भेजा, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर दें कि भैया जी वो रिप्लेस वाला स्पेयर है, वापस भेज दीजिए हमें। दो बार रिक्वेस्ट कर दे, तीन बार रिक्वेस्ट कर दे, चौथी बार हम यहाँ से मशीन उनका ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि हमारा स्पेयर तो हमें मिलना चाहिए ना। हम आपको इतनी ऑनेस्टली सर्विस दे रहे हैं, तो उसके बदले आपका भी कुछ बनता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। बस उतनी रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि जो हमने स्पेयर दिए वो टाइम पे वापस रिप्लेस करके दीजिए। so, बस आपने अपनी कंपनी के बारे में, ऑफिस कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? देखिए सर, मेरा पहला फर्म है आरओ वाले वाटर टेक्नोलॉजी बोल के, जहाँ पे मैंने कम से कम 2500 वाटर एटीएम बेचे। 2500? हाँ। और ये 2500 वाटर एटीएम जब बेचे मैंने, तो पूरा ग्राउंड लेवल से हमें इसमें एक्सपीरियंस है कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आती है, वेंडर को क्या प्रॉब्लम होती है, उसके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारा नॉलेज है हमें। दूसरी बात, जब मैंने ये वाटर एटीएम बेचे, जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता था कि यार मुझे अच्छी सर्विस दे दो, क्योंकि मैं तो अपना आपका इतना बड़ा डीलर हूँ। बराबर, तो मुझे अच्छी सर्विस दे दो, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे दो। लेकिन वो क्या पता उनका क्या माइंडसेट था, वो कम पड़ गए। और मैंने क्या सोचा कि यार क्यों ना हम इसको कर दें, इनोवेट कर दें। इनोवेट करते टाइम मैंने सोचा कि हम क्वाइन बॉक्स नहीं बनाएंगे, क्वाइन के ऊपर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बनाएंगे नहीं, हम सीधा यूपीआई बनाएंगे। क्योंकि देश डिजिटल हो रहा है, अपने पंतप्रधान जी नरेंद्र भाई जी बोल रही कि यार डिजिटल अडॉप्ट करो, यूपीआई अडॉप्ट करो, तो हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते। तो उस दिमाग से, उसके हिसाब से हमने ये यूपीआई बेस्ड वाटर एटीएम लॉन्च किया सर। तो ऑफिसेज और मैन्युफैक्चरिंग सारा पुणे में आपका पूरा? अगर किसी को फैक्ट्री विजिट करना है, देखना है कि यार सच में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप आके वहाँ देख सकते हो, हम मैन्युफैक्चरिंग विजिट भी अरेंज करते हैं। तो एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से? लोगों से सिंपल यही अपील है कि जब आपको ग्रो करना है, बिजनेस माइंडसेट जो बोलते हैं, अगर आप बिजनेस को ऑटोमेट नहीं करोगे, बिजनेस को डिजिटल नहीं करोगे, कौन सा भी बिजनेस हो, बिजनेस ऑटोमेट नहीं करोगे, बिजनेस डिजिटल नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। क्योंकि डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको, उसमें आपको इन्वॉल्व होते रहना पड़ेगा। तो मैं आपके थ्रू सारे ऑडियंस को यही अपील करूँगा कि दोस्तों अपने बिजनेस को ऑटोमेट करो, डिजिटल करो और बिजनेस को ग्रो करो और हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ जुड़ो। चलिए, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सर।